ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ द टॉपिक इज गेम थ्योरी. क्या है गेम थ्योरी? ये पबजी नहीं है, ना ही ये कोई वो वीडियो गेम्स है. इट्स अ गेम बिटवीन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनके दरमियान कंपटीशन होता है. टू डिसीजन मेकर्स, अगर मुझे कोई कहेगा व्हाट इज गेम, तो मैं कहूँगा इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच टू और मोर प्लेयर्स आर कम्पीटिंग. What the game is first? It refers to a situation जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्लेयर क्या करते हैं, कम्पीट. सर वहाँ पर एक टर्म आ गई, प्लेयर क्या होता है? सो कम्पिटेटर इन अ गेम, कम्पिटेटर इन अ गेम इज कॉल्ड प्लेयर. समझ आ रहा है? ठीक है. सो क्या कहेंगे बेटा अगर हम प्लेयर कहेंगे? कम्पिटेटर इन अ गेम is called player. Are you getting my idea? So कोई भी competitor जो होता है game में उसे क्या कहते हैं? A player एक इंसान हो सकता है. समझ आ रहा है? A player एक इंसान हो सकता है, एक decision maker हो सकता है, या business organization हो सकती है. Are you getting my idea? A player me बी एन क्या हो सकता है बेटा? इंडिविजुअल, या हो सकता है कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक, या कोई डिसीजन मेकर. सो अगर मैं थोड़ा रिपीट करूँ व्हाट द गेम इज, ये एक सिचुएशन होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्लेयर्स क्या करते हैं, कम्पीट. आर यू गेटिंग माय डियर? कितने? दो या दो से ज़्यादा प्लेयर क्या करते हैं, कम्पीट. प्लेयर क्या है? मींस कम्पिटेटर. कम्पिटेटर इन अ गेम इज कॉल्ड प्लेयर. और वो प्लेयर क्या हो सकता है? या तो कोई इंसान हो सकता है, या तो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या अगर हम यहाँ पे देखें, याद रखना बेटा कुछ चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, उनका आपने ख्याल रखना है. लेट्स टॉक ऑफ टू प्लेयर्स. हम दो प्लेयर्स की बात करेंगे, ठीक है. एक हम करेंगे रिलायंस की बात. किसकी? ठीक. और इसका जो कंपिटेटर है उसे कहते हैं एयरटेल, जो ना जियो. समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग माय डियर? सो रिलायंस एक प्लेयर है और एयरटेल एक प्लेयर है. अब रिलायंस की अपनी एडवांटेज होगी, अपनी डिसएडवांटेज होगी. नहीं, समझ नहीं आ रहा है. रिलायंस की अपनी एडवांटेज होगी और अपनी डिसएडवांटेज होगी. फॉर एग्जांपल, अगर रिलायंस को मार्केट में आना है, एयरटेल भी मार्केट में है. समझ आ रहा है? रिलायंस को किस में आना है? अब ऑलरेडी एयरटेल है, तो रिलायंस क्या देखता है? सबसे पहले ये सोच रहा है, मैं दूंगा फ्री कॉल्स. क्या दूंगा? इज दैट क्लियर? मैं दूंगा फ्री नेट. क्या दूंगा? ठीक, आ जाइए, फ्री कॉल्स या फ्री नेट. अब एयरटेल जो है ना, वो भी कह रहा है मैं भी दूंगा फ्री कॉल्स, मैं भी क्या दूंगा? फ्री नेट. याद रखना, ये फ्री कॉल्स तब देगा जब इसके पास इतने पैसे, ये फ्री नेट तब देगा जब इसके पास इतने पैसे. अब ये एयरटेल फ्री कॉल्स तब देगा जब इसके पास पैसे होंगे. और यू गेटिंग माय डियर? नहीं, कितने प्लेयर है पहले? कौन कौन? अब इनकी जो एडवांटेज है, इनकी जो डिसएडवांटेज है, इनकी जो एडवांटेज है और इनकी जो डिसएडवांटेज है, वही बनती है इनकी स्ट्रैटेजी. क्या बनती है ना? व्हाट इज स्ट्रैटेजी? व्हाट इज एडवांटेज? ये आप याद रखें, एडवांटेज और एडवांटेज एंड यू से डिसएडवांटेज ऑफ ए प्लेयर, ऑफ ए is called strategy. What you call it? Strategy. Advantage या disadvantage एक इंसान की या एक प्लेयर की, उसे आप क्या कहते हैं? Strategy. So what is strategy? Advantage or disadvantage of a player. That's what you call? Strategy.
स्ट्रैटेजी, ठीक है। हाँ, ये एग्जाम में ये डेफिनेशन नहीं लिखना है, एग्जाम में जो डेफिनेशन आपको लिखनी होगी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ ये। मैं आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल। दो ट्यूशन सेंटर है, एक तो मेरा उजैर और यहाँ से आमिर, यहाँ से आमिर। अगर मुझे बच्चे को इम्प्रेस करना है, अगर मुझे स्टूडेंट को इम्प्रेस करना है, सबसे पहले मेरे पास होगा कम्युनिकेशन स्किल, मेरी एडवांटेज है, मेरी नॉलेज, ठीक, या मेरे पास एनुअल फंक्शन है। इफ आई हैव टू इम्प्रेस अ स्टूडेंट, ठीक है, मैं इन तीन चीजों से करूंगा। समझ आ रहा है? कम्युनिकेशन, ये मेरी स्ट्रेटजीज है, ये क्या है मेरी, इसी से मैं स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करूंगा, ठीक। अब आमिर है, इसके पास भी कम्युनिकेशन स्किल होगा, इसके पास भी नॉलेज होगी, वो समझ आ रहा है। चलो एनुअल फंक्शन के बजाय इसे एग्जामिनेशन होंगे ज़्यादा, ये लेता होगा। आर यू गेटिंग माय डियर? सो देयर आर टू प्लेयर्स, कौन कौन है, उजैर और आमिर। जो उजैर के पास है, जो वो सिलेक्ट करता है टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट, वो इसकी क्या बन जाती है, स्ट्रैटेजी। जो आमिर के पास है जिससे वो अट्रैक्ट करता है स्टूडेंट, वो क्या बनता है, इसकी स्ट्रैटेजी। यहाँ तक ठीक, यहाँ तक ठीक। ओके, व्हाट इज गेम? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच टू और मोर प्लेयर्स आर, इच्छा कंपटीशन आसान, ये कंपटीशन होता है बिटवीन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिटवीन टू बिजनेस। अब मैंने कहा कि इसमें प्लेयर आ गया, तो प्लेयर क्या होता है, कंपटीटर इन अ प्लेयर, कंपटीटर इन अ, इज दैट क्लियर, कंपटीटर इन अ गेम इज कॉल्ड प्लेयर। और ये प्लेयर क्या हो सकता है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या डिसीजन मेकर हो सकता है। यहां तक क्लियर? ओके माई डियर, आफ्टर दैट बेटा, आपको कभी कभार ऐसे दिया होगा, यहां से ए है और यहां से बी है, क्या यहां से ए है, यहां से बी, ऐसे लिखा होगा ए वन ए टू ए थ्री, यहां पर लिखा होगा बी वन बी टू बी थ्री। फॉर एग्जाम्पल 5, 6, 7, 2, -3, 4, 5, 6 और 1, याद रखना बेटा। सर ये ए वन क्या है, ये इसकी स्ट्रेटजी है। अब नाम नहीं होगा कम्युनिकेशन स्किल, उन्होंने क्या लिखा है, ए वन। नॉलेज को नाम क्या रखा है, एनुअल फंक्शन को नाम क्या रखा है, ए थ्री। ऐसे ही जो स्ट्रेटजी इसकी होगी क्या होगी, बी वन बी टू और बी थ्री। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? अगर आपके पास क्वेश्चन कोई ऐसे होगा, ए वन ए टू ए थ्री, ठीक है, बी वन बी टू बी थ्री, ये ए वन ए टू ए थ्री कुछ है नहीं, ये क्या है, इसकी स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी मीन्स जिससे ये अट्रैक्ट करता है, जिससे ये अट्रैक्ट करता है कस्टमर को। सिंपल, टफ मत लगा, टफ मत लगा। ओके, इफ देयर इज ए वन ए टू ए थ्री, ओके माई डियर, अगर ऐसे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल 5, 6, 7, 8, 2, 3, 5, 1, 3, 2, 4, 5, अगर ऐसे होगा, इसे कहते हैं रो, क्या कहते हैं, अगर ऐसे है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रो, इसे क्या कहते हैं, इज दैट क्लियर? आई एम गिविंग यू बेसिक्स हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, आर यू गेटिंग माय डियर? सो ये रो वन है, ये रो टू है और ये रो थ्री है, तो आप याद रखेंगे बेटा, रो ऐसे होता है, ठीक, रो ऐसे होता है, और जो कॉलम है बेटा वो ऐसे होता है। आर यू गेटिंग माय डियर? जरा मुझे बताइए, रो वन यहाँ पे, रो वन क्या है, 5, 6, 7, 8, ओके, 5, 6, 7, जरा बताइए रो टू, 2, 3, 5, 1, जरा बताइए रो थ्री, 3, 2, 4, 5, 3, 2, 4, 5, आर यू गेटिंग माय डियर? डू टेल मी नाउ, डू टेल मी बेटा, अब मुझे बताइए आप, अगर ये क्वेश्चन है ना हमारा, बेटा कॉलम वन क्या है, 5, 2, 3, इज दैट क्लियर? जरा बताइए कॉलम टू क्या है, 6, 3, 2, ओके, जरा बताइए बेटा कॉलम थ्री क्या है, 7,
फाइव फोर, ज़रा बताइए कॉलम फोर क्या है? एट वन फाइव। तो ऐसे जो होता है बेटा व्हाट इज़ दैट? रो। और ऐसे जो होता है व्हाट इज़ दैट? कॉलम। इज दैट क्लियर? आप सोचते होंगे सर क्या पढ़ा रहा है, क्योंकि मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ सो दैट आपको ये ईजी लगे। ऐसे क्या होता है? रो। ऐसे क्या होता है? इज दैट क्लियर? सो लेट मी रिकैप्चुलेट लास्ट टाइम, ठीक है? व्हाट इज़ गेम? ये एक कंपटीशन होता है बिटवीन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिटवीन टू, समझ आ रहा है? और जो इसमें होते हैं कॉम्पिटिटर्स उन्हें क्या कहते हैं यहाँ पे? प्लेयर्स। एक प्लेयर हो सकता है एक इंसान, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या कोई डिसीजन मेकर। इज दैट क्लियर?